हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का नकड़ियागंज सेंट्रल स्कूल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स की पढ़ाई करने वाले हैं और जो अभी क्लासेस चल रही हैं जिसमें मैंने एलिमिनेशन मेथड बताया था लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, उसी के बेसिक पर आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि एलिमिनेशन मेथड जो है सबसे जरूरी है, सबसे अच्छा मेथड होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सोल्व करने के लिए। लेकिन आपके बुक्स में या आपके सिलेबस में जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग बनाया गया है उसमें है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग मैं 2-3 क्वेश्चन आज समझा देता हूं आपको, फिर इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी और आर्य सवाल को मिला करके कुछ और क्वेश्चन करेंगे, फिर वर्ड प्रॉब्लम वगैरह करेंगे, ग्राफिकल मेथड भी करेंगे, सब कुछ धीरे धीरे कर लेंगे। फिलहाल आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए समझते हैं। देखिए बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही अच्छा मेथड होता है, बस ये है कि इसका ज्यादा हम लोग यूज नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन है, जैसे कि मैं पूरा अच्छे से डिटेल में बता रहा हूं, यहां पर मान लीजिए हमने लिखा एग्जाम्पल कुछ करके 1, मैंने लिखा सोल्व। खूब अच्छे से समझेंगे बच्चों सोल्व, और सोल्व के बाद मैंने क्या लिखा थोड़ा एक बार मिला ले सही वीडियो आ रहा है या नहीं। आ रहा है, चलिए देखते हैं। सोल्व के बाद मैंने लिखा बच्चों 2x + y = 7, 2x + y = 7 एंड एक और है बच्चों 4x - 3y, 4x - 3y + 1 = 0। और यहां हमने लिख दिया यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मैंने क्वेश्चन लिखा बच्चों, समझाने का पर्पस है कि आपको अच्छे से समझाया जाए यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कैसे बनाएंगे ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक पूरा डिटेल बताते हैं फिर शॉर्ट में भी बताएंगे। सबसे पहले हम लोग यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, SOLUTION सॉल्यूशन। जब आप सॉल्यूशन लिख देंगे बच्चों तो देखिए सॉल्यूशन के बाद क्या किया जाएगा, समझिएगा। देखेंगे गिवन, मैं पूरे डिटेल बता रहा हूं, थोड़ा ज्यादा डिटेल जाएगा। गिवन 2x + y = 7, और इसको 1 मान लिया जाएगा, एंड 4x - 3y + 1 = 0, इसको हम 2 मान लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करेंगे भाई, अब करना ये है, लिखेंगे फ्रॉम वन, यानी इक्वेशन 1 से हम देखेंगे क्या कि 2x + y = 7 तो है, तो हम क्या करेंगे यहां पर y = लिख देंगे 7 - 2x। क्या लिखेंगे 7 - 2x, बिकॉज ये जब 2x इधर जाएगा भाई तो माइनस होना ही है, ऑफकोर्स होगा। अब इसको यहीं पर रोक लिया जाएगा। अब लिखा जाएगा, चूंकि ये हमने इक्वेशन 1 से इसका वैल्यू निकाला है तो 1 में अब काम नहीं करेंगे, अब काम करेंगे 2 में। देखिए कैसे लिखेंगे, पुटिंग y = 7 - 2x इन इक्वेशन सेकेंड। जब इक्वेशन सेकेंड में इतना प्रूफ पुट कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर 4x - 3, y का मान है बच्चों 7 - 2x, और +1 तो होगा ही भाई, = 0। ये हुआ 4x - 21, बिकॉज 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21, 3 × 6 = 1 = 0। ठीक है भाई, अब देखिए x को कैलकुलेट कीजिए, यहाँ 4x है यहाँ 6x है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 10x। और ये देखिए इन दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा, -21 और +1,
तो इसका हो जाएगा ओनली -20 बराबर 0। अब इसको मैं थोड़ा सा यहां लेके आ रहा हूं, मे बी इधर वाला पार्ट आ ही जाता है, एक मिनट, हाँ आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो जब यहां पर हम 10x लिखेंगे बच्चों तो आएगा 20, ये बिकॉज इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 20/10 कट गया तो x का मान आ गया 2। तो आप समझ पा रहे होंगे कि x का वैल्यू 2 आ गया। जब इतना हम लोग कर लेंगे, नोट कर लीजिए, थोड़ा सा और समझाते हैं, नोट कीजिए जल्दी से। नोट कीजिए बच्चों, आशा करते हैं आप नोट कर लिए होंगे। अब देखिए मैं यहां वाला कुछ मटेरियल हटा रहा हूं, खूब अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना आप सब। अगर वीडियो फास्ट लगे तो पॉज करके नोट कर लेना, यानी वीडियो को रोक देना और फिर लोग नोट कर लेना। देखो अब जैसे कि यहां पर समझा जाए कि फिर से लिखेंगे देर फुट चाहे सीधा लिखेंगे, पुटिंग एक्स बराबर 2 इन 3rd, मतलब मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूं, थोड़ा शॉर्ट में भी बनाया जा सकता है इसको। x बराबर 2 जब यहां पढ़ेंगे तो हो जाएगा y बराबर 7-2 × 2 7-4 यानी कि 3। तो बच्चों पता चल गया होगा आपको कि x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू 3 आया। फाइनली आप बॉक्स बना के कॉपी में लिख लीजिएगा कि x का मान 2 आ रहा है और y का मान 3 आ रहा है। इसी बेस पर मैं एक थोड़ा सा इससे भारी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन लेता हूं और फिर उसको बना करके समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। चलिए कर दीजिए बच्चे, जल्दी से कर लेंगे। चलिए हटा रहे बच्चों, खूब अच्छे से समझिए, समझाने में कोई कमी नहीं होगी, जितना आपको समझना हो सब कोई समझिए बेहतर तरीके से। देखिए नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये भी है। देखिए यहां पर हम लिख दे रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं, आज का 2 है, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर सोल SOL। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ऐसे है, 3x/2 − 5y/3 बराबर हुआ बाय बच्चे -2। ये हो गया फर्स्ट, ये दिया हुआ है। एंड यहां पे एक और क्वेश्चन दिया है भाई, देखिए यहां पर एंड x/3 और प्लस y/2 और बराबर कुछ है भाई 13/6 यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, अच्छे से समझिएगा, मजा आ जाएगा। चलिए आते हैं, यहां पर हम लिखेंगे SOLUTION सोल्यूशन। जब सोल्यूशन लिख देंगे बच्चों, पहला वाला उतारेंगे 3x/2 − 5y/3। एक बार मैं इसको जरूर मिलाऊंगा कि सही है या गलत, क्वेश्चन सही है, इसको हम लोग आराम से सोल्व करेंगे। ऐसे 3 और 2 यानी कि 6, इसका एलसीएम हो जाएगा, 2 × 3 = 6 तो 3 × 3 = 9x −3 × 6 = 2 × 5 = 10y बराबर −2 और ये हो जाएगा बच्चों 9x − 10y 6 × −12 − 2y। अब इसी के कंटिन्यू में क्या कीजिएगा ना, y का या x का वैल्यू निकाल दीजिएगा यहीं से, थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा यहीं से कंटिन्यू में आप क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैं कैसे इसका मान निकलवा देता हूं। देखिए बच्चों आपको इस पे भी बात बना सकते हैं, x पे y पे, तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि यहां पे समझिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे पीछे बना सकते हैं, हमने इसको इधर लिया और इसको इधर लिया तो हो जाएगा 9x
प्लस 12 बराबर 10y होगा ना बच्चों, और फिर हो जाएगा आपको 9x प्लस 12 बटा 10 बराबर y। तो बच्चों y का एक्चुअल वैल्यू क्या आ गया, 9x प्लस 12 बाई 10। इसको आपको इक्वेशन 1-2 मान लीजिएगा, यानी कि इसको हमने सोल्व करते हुए इतना ला लिया। ये थोड़ा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं लेकिन समझ में आ जाएगा। चलिए अब दूसरा इक्वेशन लेते हैं। दूसरा इक्वेशन मैं यहां पे सोल्व करता हूं, दिया हुआ है बच्चों x बाय 3 प्लस y बाय 2 और बराबर 13/6। इसको भी हमने एलसीएम लिया नीचे, 3 और 2 यहां भी है, यहां भी एलसीएम 6 आएगा। 3 × 6 2x, 2 × 6 3y बराबर 13/6। आप क्या कीजिए बच्चों, क्रॉस गुना कीजिएगा। तो क्रॉस गुना में होता क्या है, कुछ खास नहीं होता। पहले ऐसा समझ लीजिए 2x प्लस 3y बराबर लिखिएगा 13/6 और ये 6 को इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, ये कट जाएगा। ये हो गया 2x प्लस 3y बराबर 13। वाई का कुछ वैल्यू निकला हुआ है, वाई वाई का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम इक्वेशन 2 मान के तब लिख देते हैं, थोड़ा और डिटेल कर देते हैं। यहाँ तक हो चुका है, अब लिखते हैं पुटिंग है वाई बराबर 9x प्लस 12 बाई 10 इन सेकेंड। अच्छा लग रहा होगा, चलो इधर का मैं कुछ मिटा दे रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, इतना ठीक है, यहां से हटा रहे हैं। देखो अच्छा से समझिए, तो जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2x प्लस 3 × 9x प्लस 12 बाई 10 इक्वल टू 13, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, इसको खूब अच्छे से प्यार से कैलकुलेट कीजिएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं प्यार से, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो जाएगा एलसीएम यहाँ पर 10 × 20 यानी 20 प्लस 9 × 3 = 27 27x 12 × 36 बराबर 13। इधर वाला साफ कर दे बच्चों, ठीक है, यहाँ तक सब सही जा रहा है। ये 10 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई जाएगा 20 × 27 × 47x प्लस 36 और 13 × 130 यानी 13 × 10 लिख दीजिए, यानी कि 130। आगे समझेंगे 47x बराबर 130 में से आप 36 घटाइएगा, ठीक है, वो भी काम चलेगा। ऐसे समझा रहे हैं समझो, तो ये 47x ही रहेगा और ये हो जाएगा एक तरह से 94। आप घटा के देख सकते हो, मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो मैं फटाफट लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब घटा के देख सकते हो 47x हो गया। अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकाले बच्चों, तो 94/47 काटोगे तो 2, यानी कि इसमें x का वैल्यू कितना आया, 2 आया। इस क्वेश्चन में भी x का वैल्यू आपको 2 आ रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा और इधर कैलकुलेट करते हैं। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे पुटिंग PUTTING पुटिंग x बराबर 2 इन फर्स्ट, फर्स्ट ये हम मान के रखे थे। तो हमारा y बराबर हो जाएगा 9x प्लस 12 बटा 10 यानी 9 × 2 प्लस 12 भाई बटा 10 18 प्लस 12 बटा 10 30/10 यानी 3। y का मान क्या आया जी, 3। तो कुल मिला के अब इतना समझ लो, एक स्टेप लिख देते हैं फिर जल्दी कर लो। आशा करते हैं आप लोग कर लिए होंगे। एक और क्वेश्चन बनाकर इसको और समझा देते हैं। फाइनली हमारे पास क्या आएगा, लिखिएगा x बराबर 2 y बराबर 3 कंप्लीटेड। एक और क्वेश्चन लेके बताते हैं, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन भी खत्म हो जाएगा और फिर एनसीईआरटी सिक्स सिलेबस हमसे हम कंटिन्यू कर देंगे, एकदम प्रोसीड किया जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं आज, किसका आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का, चलिए देखते हैं। बता रहे बच्चों, वीडियो फास्ट लगे तो मैं बहुत बार बोल चुका हूं, आप उसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पॉज कीजिएगा तो आपको सब सामने रहेगा आपके।
नेक्स्ट समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम ऐसे ले लेते हैं, दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर ए प्लस बी, और एक और दिया हुआ है इसी में क्वेश्चन बच्चों, ए एक्स प्लस बी वाई, सॉरी बी वाई प्लस एक माइनस, एक मिनट देख लेते हैं, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है भाई, इतना दिया हुआ है, पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है इसको, ठीक है। चलिए यहां से सोल्व करते हैं, यहां से सोल्व करते हैं सोल्यूशन, लिखते हैं जी आई बी एम गिवन एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, तो क्या कीजिएगा, तो वाई इक्वल टू लिखिएगा ए प्लस बी में से एक्स घटा दीजिएगा, ठीक है, वाई इक्वल टू लिखिएगा ए प्लस बी में से एक्स को माइनस किया हमने, घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। आगे देखिए सेकेंड वाले को उतारिएगा, एंड ए एक्स माइनस बी वाई बराबर क्या है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस सिंपल एज, ए एक्स को ए एक्स रहने दो और ये बी है, बी को बी रहने दो, वाई की जगह लिखो ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाई का पूरा वैल्यू यहां से हमने यहां पर उठा के रख दिया। अब चलो हमने लिखा ए एक्स माइनस बी से ए में गुना होगा तो ए भी लिख देते हैं भाई, दिक्कत है नहीं भाई, ए बी बी ए दोनों चलता है, बी से बी में गुना होगा तो बी स्क्वायर और ये प्लस बी एक्स हो जाएगा क्योंकि बी माइनस है एक्स बी माइनस, और ये हो जाएगा भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा, ये है ए एक्स, ये है प्लस बी एक्स और यहां पर है माइनस ए बी, और ये बी स्क्वायर को इधर भेज रहे हैं, कहां बी स्क्वायर को और ए बी को दोनों को भेज देते हैं, बी स्क्वायर को भी इधर भेज देते हैं और ए बी को इधर भेज देते हैं, तो हो गया जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज इधर दोनों माइनस में तो उधर प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया यानी कैंसिल हो गया। आगे पढ़ोगे तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स बराबर ये है ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है भाई, ये है ए एक्स प्लस, सॉरी इसमें सब कुछ कॉमन कर दो, इसमें से तुम एक्स निकाल दो, एक्स निकालोगे तो ए प्लस बी हो जाएगा और यहां से ए निकालोगे तो ए भी हो जाएगा, ए प्लस बी। अब डिवाइड करा मैंने यहां लिख रहे हैं, एक्स बराबर लिखना ए इंटू ए प्लस बी बाई ए प्लस बी, ठीक है भाई, ये कट गया, एक्स बराबर हो गया ए, समझ में आ रहा होगा, दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, प्रॉब्लम होगा तो कमेंट व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं हमको। एक्स का मान ए आ गया, इसको एक माने रहेंगे, देखेंगे पुटिंग एक्स बराबर ए इन कहां पे, फर्स्ट फर्स्ट में जब एक्स बराबर ए पुट करेंगे तो वाई बराबर हो जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स, यानी ए प्लस बी माइनस ए, ए से ए कट जाएगा, वाई का मान दिया गया, फाइनली इतना सब हमने कर देंगे सब कुछ, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे लास्ट में सब कुछ ओके कर देंगे, मैं लिख देता हूं और आज का क्लास यहीं पर हो जाएगा कंप्लीट, फिर आगे आप लोगों को दूसरे मेथड पढ़ाया जाएगा, अच्छा लिख ही रहा है सब, जल्दी कीजिएगा, जल्दी मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, बहुत जल्दी हो गया होगा। अब देखिए लास्ट पीस में मेरा क्या मिला हमको, मेरे को या आपको सबको, आपको मिला एक्स का मान ए और वाई का मान बी, इस तरह से बच्चों हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा कभी कभी जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे देता है, मतलब कि ज्यादा बटा में या कुछ एबीसीडी ज्यादा लगा कर, तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन से निकालने में प्रॉब्लम होता है, एलिमिनेशन का लगा के निकाल लीजिएगा, लेकिन अगर आपको लिख दे एग्जाम में या पेपर में या टेस्ट में यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तब आपको सब्स्टिट्यूशन से ही बनाना पड़ेगा, बिना सब्स्टिट्यूशन के बनाइएगा तो नंबर नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ा दिया, एलिमिनेशन भी पढ़ा दिया, नेक्स्ट वीडियो में ग्राफिकल वगैरह या जो भी सही लगेगा वो पढ़ाएंगे, लेकिन कंटिन्यू चलेगा, तब तक के लिए बच्चे बाय बाय, टेक केयर, होपफुली आप लोग इंजॉय कीजिए, अच्छे से रहिए, ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।